अमृत, आलू के खेत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ दीदी, हम की फसलो अच्छा भेलै है, आ झुलसो न लगलै है। दीदी इस बार जैसे वीडियो देखलखिन वैसी वैसी हम सब आलू के खेती करिए, इस बार फसल अच्छा है। हाँ दीदी, हमरा याद है कि हम सब अच्छा आलू मीडियम साइज के छांट के रखले रही बीज के लिए उपचार करे के लिए, और बीज के उपचार M45 से कैली। दीदी खेत के तैयारी वही तरीका से कैले रही, और जो बताल गेल है वैसे ही खाद के प्रयोग कैले रही। दीदी आलू रोपे समय बीज से दूरी बीज के 8 इंच रखले रही, आ मेड़ के दूरी 2 फीट रखले रही। दीदी जौन खेत में आलू और मकई एक साथ रोपली वो खेत में 2.5 फीट मेड़ के मेड़ दूरी रखली। हाँ दीदी वीडियो में बताएल रहे कि बीज दूरी लगावे से बीज भी कम लगै छै, और पौधे को खाद पानी हवा और सूरज की रोशनी बराबर मिलता है, जिससे आलू भी अच्छा फसल भी होइ छै, उपज भी अच्छा होइ छै, साइज भी अच्छा होइ छै। आ दीदी सही समय से हम कमैनी कैले रही और मिट्टी चढ़ले रही, सिंचाई कैले रही। हाँ दीदी, 3 से 4 बार सिंचाई करना तो जरूरी है, लेकिन आखिरी 40 दिन में 10-10 दिन में सिंचाई हल्का करे से आलू के खूब लाभदायक है। खेत में हल्के नमी रहे से आलू के साइज बढ़ जाए छे, और छोटा आलू होए के संभावना न रहे छे। हाँ लेकिन आलू खाने से पहले 12 से 14 दिन पहले सिंचाई रोक देवे के चाहिए। हाँ दीदी बहुत अच्छा बताइली। हाँ दीदी सही समय पर एक काम और कैले रही, सही दवा के छिड़काव सही समय पर कैले रही, जैसे हमार फसल झुलसा न पकड़लक, हमार मेहनत बेकार न गेलक। दीदी हम सब वही तरीका से खेती कैली जैसे विजय भैया वीडियो में बताइले रहती। दीदी समय आ गेल है आलू खाने के, तो काहे ना हम विजय भैया के बुला ले छी कि कोई और तरीका बता दी। हाँ दीदी विजय भैया के हमरा पास नंबर है, आज ही ने काहे बुला लेती। बुला लेती। हाँ विजय भैया, हम मोती समूह से बीना देवी बोले छी, आलू के खेती में थोड़ा आगे जानकारी लेवे के है, थोड़ा आ जा। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। दीदी की बात कहला बोलैली है। विजय भैया आहा तो बतैली वही तरीका से हम आलू के खेती तक कैली, फसल भी अच्छा है, अगर अब तक खाने के समय आ गेल है, अब कोई अच्छा तरीका है तो बताओ। जरूर दीदी। दीदी आहा बिल्कुल सही समय पर हमरा बोलैली है, और एकर तरीका भी आहा के हम बहुत अच्छा ढंग से बता रहली है, चलू खेते पर। ठीक है भैया। भैया कोई सामान चाहिए? हाँ दीदी, हसुआ और टोकरी ले ले जाए और चलल जाए। चलल फसल तो वास्तव में बहुत अच्छा है, देख के मन खुश हो। हाँ भैया। दीदी आलू के पौधा हल्का पीला पड़े लगा। हाँ भैया। एकर मतलब कि अब 12-14 दिन में आलू कोरे वाला हो जाते, माने खाने वाला हो जाए। हाँ भैया, पूरा खेत के पत्ता पियर हल्का हो गेला। दीदी अब पहला काम ही करेला है कि खेत में अब सिंचाई रोक देवेला है, ताकि खेत की मिट्टी अच्छा तरह से सूख जाए और आलू खाने के लिए 12 से 14 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाए। अच्छा भैया। अब दूसरा काम यह है दीदी कि आलू के पौधा के मिट्टी से सटा के काट के हटा देवेला है। अभी जो आलू के डाँट हम काट के हटा देवी भैया, तो हमारा आलू खराब हो जाते। हाँ भैया, ये तो ठीके कह रहल छथिन दीदी। दीदी आलू के पौधा काटला से फसल बिल्कुल ना खराब होती, ऐसे बहुत तरह के फायदा है यहाँ के।
12 से 14 दिन पहले डांट काटे से की फायदा है भैया? दीदी, आलू के आखिरी समय में तना के जरिए आलू में जो रोग लग जाइए वो आलू के साथ साथ अगला समय तक बनल रहिए। यही खातिर दीदी आलू के खाने से 12 से 14 दिन पहले तना काट के हटाएल जाए छाए कि तना के जरिए आलू में वो रोग प्रवेश न कर सके। अच्छा भैया। दीदी, दूसरा लाभ यह है कि आलू के खाने से 12 से 14 दिन पहले डांटी काटे से आलू के छिलका भी मोटा होइए और जल्दी सरे गले के संभावना न रहिए। दीदी, अहि तरह से तैयार कयल गेल आलू घर में भी लंबा दिन तक ले स्टोरेज कर सकै छी, माने रख सकै छी तो सुरक्षित रहत, आ कोल्ड स्टोरेज में रखम तो वहाँ भी लंबा समय तक सुरक्षित रहते। ऐसा आलू के मार्केट में मांग भी ज्यादा रहिए और सही समय पर बेचे से दाम भी अधिक मिलिए। भैया, अपने तो ई हमरा बहुत अच्छा बतैली, ये बात के जानकारी तो हमरा ना रहलक ह। ई आलू के डांट के काटबै एकरा जे है दीदी यहाँ चारा के रूप में भी मवेशी के खिला सकै छियै और एकरा कंपोस्ट भी तैयार करे के काम में ला सकै छी। आलू के डांट कई तरह से काटल जाता, एकर तरीका हम अहाँ के काट के बता दे। ठीक है भैया, बता दियो। भैया। हाँ दीदी। ये तो इतना सटा के जड़ी से काटे छी। हाँ, जड़िए से काटल जाई थी दीदी। भैया। हाँ दीदी। दीव न हसुआ हम हूँ काट के देखे छी। तो पूरा जड़ी से काटब दीदी। ठीक है भैया। ताना जैसे कटाए के चाहिए आलू के डांट वैसे तो बहुत अच्छा से कटा गेलै, अब 14 दिन तक ले आलू के ऐसा ही छोड़ देवे के, ओकरा बाद जे खाने के तरीका है आलू निकाले के वो वहाँ के हम बता दे रही। 14 दिन के बाद खेत से आलू के सावधानी पूर्वक निकाले के है खाने के। सबसे अच्छा उपाय यह है कि खेत में अगर सिर्फ आलू हो तो हल बैल से सीधा सीधा दौन में हल चला के आलू निकाल लेल जाए। दीदी, अगर आलू के साथ कोई और फसल है तो छोटा उपकरण जैसे खुरपी से धीरे धीरे आलू के निकाल लेल जाए, जैसे हमारा आलू कटे नहीं। अच्छा भैया। पता है दीदी, आलू निकाले समय बहुत आलू कट जाइए जैसे हमर सके बहुत नुकसान है, ओकर ध्यान हम सब न रख पबै छी। लगभग 10% आलू कट के बर्बाद हो जाइए, यानी कुंटल में 10 किलो, जेकर ध्यान हम सब न रख पबै छी। हाँ भैया। भैया, ये बात पर तो हम तो कभी ध्याने न देलियै, हम सोचैत रहलियै है कि खनैत समय थोड़ा आलू कट जाय होतै। दीदी, हम किसान जेकरा छोटा नुकसान समझे छियै हिसाब कैला पर वही बड़ा नुकसान साबित होइ छै, यही लेल हम अहाँ के 14 दिन के बाद आके ये आलू खाने के तरीका जो है बताए। ठीक है भैया। भैया आके बता देवे तो अच्छा रहता है। ठीक है दीदी। तो ठीक है भैया, इतना सारा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबके भी धन्यवाद। आलू के तना कटाई में कुछ बातों पर ध्यान रखेला होइए। पहला, आलू कोराई से 12 से 14 दिन पहले सिंचाई रोक देवेला है। आलू कोराई से 12 से 14 दिन पहले आलू के तना के काट के हटा देवे के चाही और आलू के मिट्टी में ही छोड़ देवे के चाही। आलू कोरे से पहले इस बात पर जरूर ध्यान देवे के चाही कि खेत बिल्कुल सूखल होवे के चाही।